देहरादून में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल की किल्लत की समस्या भी बढ़ रही है। वर्तमान में 141 शहरी और 199 ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि इन क्षेत्रों में टैंकरों की मदद से पानी की आपूर्ति कराई जा रही है। तो हमारे पास अभी 70 विभागीय टैंकर हैं और 118 किराए के टैंकर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ आवश्यकता अनुसार भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जनरेटर भी रखे हुए हैं, तो अगर कहीं बिजली चली जाती है तो हम जनरेटर का भी प्रयोग करते हैं। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार गर्मी के इस मौसम में 552 पानी के स्रोतों में जलस्तर घटा है, जिससे पेयजल की परेशानी उत्पन्न हुई है। हालांकि हैंडपंपों और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के जरिए इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जिसमें से 245 सोर्सेज में 0 से 50% कम हुआ है, 253 में 50 से 75% कम हुआ है और 54 सोर्सेज में 75% से अधिक पानी कम हो गया है। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारे निष्प्रयोज्य हैंडपंप हैं 311 स्टेट में, तो उसमें वर्षा ऋतु में पानी डाल के अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का प्लान है। इसके अतिरिक्त हम लोग चालखाल भी बनाते हैं, जो इस साल भी बनाए जाएंगे, और सरकारी भवनों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।